दूसरी जाने कायदे हिस्बे इख्तलाफ, खुर्शीद शाह कहते हैं कि जमहूरियत फरोश होते तो 2014 में नवाज हुकूमत ना भेजाते। धरनावंद में नवाज शरीफ रोते हुए इस्तीफा देने पर राजी हो गए थे। कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं, कायदे ऐवान की तब्दीली चाहते हैं। आरिफ सैयद की रिपोर्ट इसी बारे में। इस्लामाबाद जरदारी हाउस में खुर्शीद शाह ने देगर पार्टी रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें जमहूरियत फरोशी का ताना देने वाले याद करें, 2014 में धरने के दौरान नवाज शरीफ ने रोते हुए कहा था, बहुत हो गया, मैं इस्तीफा देता हूं। मैंने हाथ पकड़कर उन्हें इस इकदाम से रोका, मुश्तरका इजलास बुलाया और हुकूमत बचाई। मेरे सामने मियाँ साहब बिलाशक लाख तरदीद करे, उनके आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसने कहा इनफ इज इनफ, ख़त्म हो गया, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो मैंने बाजू से पकड़ के कहा कि मियाँ साहब इतने मत घबराओ, अब हम हैं, ये पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट जमहूरियत को भी बचाएगी। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द इंतखाबात नहीं बल्कि कायदे ऐवान की तब्दीली चाहती है। एक सवाल पर उनका कहना था कि अगर वजीर आजम के इस्तीफे के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद सड़कों पर आए तो हम उनसे आगे होंगे। रहमान मलिक अपनी जाती नोयत की हैसियत से JIT में पेश हुए। मेरे ख्याल में वो उनको डायरेक्टली इन्फॉर्म किया गया है, कोई पार्टी के थ्रू नहीं किया गया है। उसने जो बातें वहाँ की होंगी खुद की होंगी, रिकॉर्ड उसके पास था, पार्टी के पास नहीं था, उसने की होगी, ये उनका मसला है। कायदे हिजबे इख्तलाफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत इदारों से इस तरह टकराव करना चाहती है जिस तरह अमरों ने भी नहीं किया। हुकूमत बताए 4 साल में बेरोजगारी करप्शन के सिवा अवाम को क्या दिया। अलबत्ता उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मुलाजमीन का इससे साल और मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। कैमरा मैन अतीकुर रहमान के साथ आरिफ सैयद, कैपिटल TV, इस्लामाबाद।